Hi, welcome back. In this video we will try to make this headboard in SketchUp. So chaliye start karte hain. First take a line. Six feet. Height I'm using 1 foot 6 inches. आपको कोई भी इमेज लेनी है और उसे ट्रेस करना स्टार्ट करना है. And now use a X-ray mode. Shortcut key is Y. Otherwise, you can get from a click on View, Face Style, and then use a X-ray. उसके साथ क्या होगा कि पीछे की जो इमेज है हम उसपे easily trace कर पाएंगे. अगर normal रहेगा then you can see here. हमें वो पीछे वाली इमेज नहीं दिख रही, अपना face उसपे आ जाता है. Double click इसको थोड़ा सा move कर लेंगे so that कि हम center में हो जाएं. Now take an arc A, otherwise you get from screen. First click jidhar point hai wahan pe. In this case you can now turn on, click here and then F, first click, second click. According to your design you can use line, arc, again use a arc line. Arc tool के साथ मैंने ये draw कर लिया. अब same चीज इधर है, we don't need to draw again and again. Select करेंगे, move, control, click here, बाहर लेके जाएंगे अपने माउस के साथ, and then scale command S, click करके माउस को ड्रैग करेंगे, -1 enter. Now use move command, end point से लिया and then place here. Hope so it's clear. Now turn off the X-ray mode. अब आप देखोगे जो center वाला point है, इस point को किया erase, arc, first point, second point, now it's done. Triple click, move. अब क्या है, ये वाला portion जो है आगे को थोड़ा सा अपना pressure में है, ठीक है? So here I'm using one plugin, that's सो बबल. सिलेक्ट करेंगे सेंटर वाले को, क्लिक ऑन द फर्स्ट ऑप्शन, जनरेट सोप स्किन, ठीक है? सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल, इसकी एक कॉपी रख लेते हैं, डबल क्लिक सोप. नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्या हो गया, एक फेस बन गया, ठीक है? हियर यू कैन सी हियर हमारे पास ऑप्शन है डिवीजन का. अब जितने इसमें लाइंस या बॉक्सेस आए हैं वो इस अकॉर्डिंग आए हैं, ठीक है? हेयर आई एम यूजिंग लाइक 20. नाउ यू कैन सी इंक्रीज हो गया, एंटर. 20 इज इनफ कि मैं 20 के साथ काम कर सकती हूँ. अगेन वी हैव टू सिलेक्ट, एक ही साइड पे वर्क करना है, दूसरी साइड हम इसको मिरर कर देंगे. स्किन पे क्लिक किया, 20, एंटर. Again, we have to select third one, skin. Now you can see here. अभी क्या हो रहा है? इनका साइज कम होता जा रहा है. You can see ना, जितना जितना small हो रहा है. अगर 20 की वैल्यू रख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग इसके बॉक्स की वैल्यू भी कम हो रही है. So we have to just check that कि अगर हम यहाँ पे 20 रख रहे हैं तो आगे आके हम इसको थोड़ा कम करते रहें. तो in this case I'm using 18. Double click. Swappable and 80, enter. Again next click, skin,
18. अगर 18 में ज़्यादा कम आ रहा है देन यू कैन यूज़ अ 15 ऑल्सो. प्रेशर देने के बाद अगेन वी हैव टू एंटर, ठीक है, जस्ट प्रेस द एंटर बटन. अगेन स्किन, नाउ यू कैन सी यू मस्ट सिलेक्ट 3, ओके, डबल क्लिक स्किन. नाउ 10 इज इनफ. हमने क्या किया था, 20 से स्टार्ट किया, देन यू कैन सी हेयर नीचे 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 आते हैं इसके बॉक्सेस अकॉर्डिंग टू योर लाइक एरिया वो कम होते जाते हैं, ठीक है. नाउ यू कैन सी हेयर, इसमें क्या है, लेट मी शो यू. इसमें हम कलर चेंज कर देते हैं सो दैट यू गेट मोर क्लियर. नाउ यू कैन सी हाइट किया, हाइट 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 एंड देन हाइट. अब ये क्या है, एक कलर सिलेक्ट किया मैंने, ग्रुप कर दिया, अनहाइड ऑल, ठीक है. अब हमें ये कलर, नाउ यू कैन सी हियर इन दिस केस जो वाइट में दिख रहा है दैट्स फाइन. अब देख रहे हो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है स्काई ब्लू, इसको डबल क्लिक करना है. अगेन ट्रिपल क्लिक, राइट साइड क्लिक करेंगे एंड देन रिवर्स फेस, अगेन क्लिक करेंगे एंड देन राइट साइड क्लिक रिवर्स फेस. रीज़न, जब भी हम इसमें अब प्रेशर डालेंगे अगर ये ब्लू में होगा तो वो बैक साइड जाएगा जो हमें फ्रंट में चाहिए, तो वो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हमें हमेशा वाइट को ही यूज़ करना है. नेक्स्ट, सिलेक्ट योर ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट हम अपने प्रेशर की वैल्यू को चेक करेंगे. इस पर क्लिक किया, नाउ यू कैन सी हेयर अवर थर्ड ऑप्शन BUB, यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड देन यू कैन सी हेयर वी गेट ऑप्शन प्रेशर. यहाँ पे आप टाइप करोगे अपना प्रेशर. सो कैसे चेक करना है, ओके, फर्स्ट लेट मी टाइप 400. अगर हमें लग रहा है 400 इज ओके देन वी कैन गो विद दैट. अगर आपको लग रहा है कम है या ज़्यादा है तो कमांड से वापस नहीं आना है, आपको अगेन यहीं पे टाइप करना है. फॉर एग्जांपल मुझे 450 चाहिए एंड देन यू कैन सी, ठीक है, 350 चाहिए तो उतना ही वो कम हो जाएगा. इट्स अप टू यू कि हमें कितना चाहिए. इन दिस केस आई एम यूजिंग अ 400. स्क्रीन पे क्लिक किया, अगेन नेक्स्ट, थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है 400. नाउ यू कैन सी ये क्या हो रहा है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसमें एक प्रेशर हो रहा है. इस केस में ये नहीं है कि आप कहीं से भी देखोगे कि उठा हुआ है, बिल्कुल आपके एज से ही आ रहा है. अब आप बोलोगे कि इसमें लाइंस हैं, डबल क्लिक करेंगे, राइट साइड क्लिक करेंगे एंड देन सॉफ्ट एंड स्मूथ. सॉफ्ट एंड स्मूथ पे क्लिक करने के बाद इसको बंद करते हैं, थोड़ा मूव. यहाँ पे आपको अपना सॉफ्टन दोनों को टिक करना है, तो इसके साथ क्या होगा कि इस पे जो भी लाइंस है वो नहीं रहेंगी. अगेन फिर भी आ रही है, डबल क्लिक करेंगे, इसकी वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर दोगे देन यू गेट अ मोर क्लियर रिजल्ट. डबल क्लिक किया, राइट साइड क्लिक किया, सॉफ्टन दोनों पे क्लिक करना है. फिर भी कोई लाइन है, डबल क्लिक करेंगे एंड देन इसको थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, ज़्यादा नहीं, जस्ट थोड़ा सा जितना हमें नीड है. नाउ क्लिक ऑन अवर थर्ड प्रेशर 400, एंटर, डबल क्लिक किया, राइट साइड क्लिक किया, सॉफ्ट एंड स्मूथ, अगेन क्लिक, थर्ड ऑप्शन 400, एंटर, राइट साइड क्लिक करेंगे डबल क्लिक करके एंड देन यूज अ सॉफ्ट एंड स्किन. बी श्योर यहाँ से आपके जो दोनों ऑप्शन है वो ऑन होने चाहिए. क्लिक किया एंड देन 400 एंटर. इवन नीचे आते आते अगर आपको अपना प्रेशर कम करना है देन यू कैन डू इट. मैं पूरे पे ही 400 को ही यूज कर रही हूँ. नेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, दूसरी साइड सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे. साइड में लिया, स्केल टूल, इन दिस केस वी हैव टू यूज अ सेंटर पॉइंट वाला, ठीक है, सेंटर से क्लिक किया, -1, एंटर, मूव किया, एंड देन प्लेस. नाउ यू कैन सी
ये क्या है फ्लैट, इसमें क्या आया हमारा प्रेशर, ठीक है डबल क्लिक करेंगे अब इन दिस केस बट वी हैव टू डू, डबल क्लिक किया, ये तो फर्स्ट में जो था वो अपने है सिलेक्ट किया, लेट मी शो यू ग्रुप, इसको किया मैंने हाइट, अब अपना जो लास्ट में था इन सब को मैंने इरेज किया, इसमें थोड़ा सा और इसमें अनहाइड ऑल, सिलेक्ट, थोड़ा मूव करते हैं वो प्लस में है, नाउ यू कैन सी, मटेरियल चेक कर लेते हैं, नाउ लेट्स टेक अ रेंडर, सी यू कैन सी द इफेक्ट, होप सो इट्स क्लियर, इन दिस केस यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, थैंक यू.